गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और भारतीय पब्लिक स्कूल सेकेंड क्लास मैथ। आज हम चैप्टर 7 बेसिक ज्योमेट्री का करें। ओके, मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में भी करवा रखा है। ओके, ये तो है ही स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल। ओके, इसके बारे में सबने हमने पढ़ रखा है। अब देखो शेप्स में बताया कि नाम किसका है, ये किस चीज़ का पिक्चर है। शेप्स नेम, साइड कितने होते हैं, 4 होते हैं, कॉर्नर 4। ओके, ये कौन सा शेप्स है, रेक्टेंगल, तो यहाँ पे साइड भी 4 आएगा और कॉर्नर भी 4 आएगा। ये शेप्स कैसा है, सर्कल है, 0 0, इसके कोई भी साइड नहीं होते ना कोई भी कॉर्नर होते हैं। ये क्या है, ट्राइंगल, ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं और 3 साइड कॉर्नर भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे इस वाले में पिक्चर दिया है, इसको काउंट करके बताना है स्क्वायर कितने हैं। तो 3 हैं, आप बोलोगे 2 ये हो गए विंडो और एक पूरा बॉक्स, 3। ओके, ट्राइंगल हो गया हमारा 2, ठीक है, सर्कल 1, रेक्टेंगल 2, एक रेक्टेंगल ये रहा, एक रेक्टेंगल ये रहा। ओके, ये क्या है हमारा, क्यूब, सॉलिड शेप जो होता है, क्यूब, क्यूबोर्ड, कोन, सिलेंडर एंड स्फीयर, ठीक है। अब देखो इस पिक्चर में बताना है आपको ये कौन सा सॉलिड शेप है, ये क्या है, स्फीयर, कोन के साइड का हो गया, क्यूबोर्ड हो गया, सिलेंडर शेप का हो गया, कोन हो गया, ये भी कोन सेम ही लगता रहता है, और ये क्यूब हो गया, ये डाइस है तो क्यूब हो गया। क्यूबोर्ड हैज़ 6 फेस, कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। क्यूबोर्ड हैज़, क्यूब हैज़ 6 फेस एंड 8 वर्टिकल, ये दोनों का दोनों सेम ही रहता है, सिर्फ शेप्स में चेंज होता है, एंड फेस भी सेम होता है और वर्टिकल भी सेम होता है। कोन के एक ही वर्टेक्स होते हैं और एक ही एज भी होता है। ओके, ये क्या है सर, स्फीयर जो हैज़ 1 फेस, 9 वर्टेक्स, मतलब एक भी कोना नहीं होता है एंड एज भी नहीं होता है उसका। सिलेंडर हैज़ 9 वर्टेक्स, एक भी वर्टेक्स नहीं होता, मतलब वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, कोन। एज 2 होते हैं और 3 फेस होते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है पर सीधी होनी चाहिए। देखो जैसे ये भी है, ये थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है पर है तो सीधी ना। ओके, अ कर्व मुड़ी हुई होती है। ओके, अब यहाँ पे एक्सरसाइज में भी देखो, यहाँ पर भी आपको बता दिया गया कितने टाइप्स के होते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या बोलोगे, स्लिपिंग लाइन, जो लेटा हुआ जो स्लिप कर रहा हो। वर्टिकल खड़ा हुआ, स्ट्रेट लाइन, और स्लैंटिंग हो गया टेढ़ा लाइन। ओके, अब यहाँ पर देखो ये जितने भी अल्फाबेटिकल हैं और क्या नाम नंबर हैं वो आपको बताना है। इसमें सर्कल उसको करना है जो स्ट्रेट लाइन है, जो कर्व है उसको क्रॉस करना है, तो वाई भी स्ट्रेट हो गया। आपको सीधी लाइन तो है ना, ये देखो 7 भी सीधी लाइन बने पर ओ जो है कर्व है, एल जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो सर्कल करना है, के क्या है, स्ट्रेट लाइन है सर्कल करना है, आई जो है सर्कल है, सर्कल करना क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, लाइन जो है हमारा कर्व हो गया तो इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया, टी स्ट्रेट लाइन है, ई स्ट्रेट लाइन है, 3 क्या हो गया हमारा कर्व हो गया इसलिए हमने क्रॉस कर दिया। ओके, अब इस वाले पिक्चर में बताना है आपको वर्टिकल लाइन कितने हैं। वर्टिकल लाइन का मतलब हमने अभी पढ़ा था जो खड़ा है। ओके, 1 2 हो गया, हॉरिजॉन्टल देखो, हॉरिजॉन्टल जो स्लिपिंग है ये 1 2, और स्लैंटिंग जो टेढ़ी है 1। अब बी में देखो, बी में कितने स्ट्रेट लाइन, सिर्फ एक ही हो गया ये, और कर्व क्या हो गया, 1 2। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये वाला पिक्चर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं, हॉरिजॉन्टल क्या है, 2 हैं। आप बोलोगे 2 कैसे हो गया, यहाँ पे देखो 1 तो ये हो गया, पर ये देखोगे ये जो भी ऐसा सामान होगा वो तो नीचे रखोगे तो ये भी स्लिपिंग लाइन में ही आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 और 2 क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग मतलब टेढ़ी लाइन, ऊपर जो जा रही है वो हो गया हमारी 3। कर्व 1 5 का जो सर्कल जो है वो 1 हो गया, और स्टार्ट जो हो गया स्ट्रेट लाइन जो हो गया 1 और 2। ओके, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो शेप्स है ये क्या बुक है, बुक का शेप्स कैसा है, रेक्टेंगल शेप का है ना, पर ये इसको बोलेंगे क्या, जो कि स्पेस घेरता है जिसे हम क्यूबोर्ड बोलते हैं, पर है इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल। ये क्या है, चॉक बॉक्स है, चॉक बॉक्स कैसा था, क्यूब साइज का होता है, पर इसका शेप कैसा है, स्क्वायर, और ये तो ऑलरेडी कोन है ही। ओके,
मैचिंग करना है, मैचिंग तो बड़ा ही इजी है। बुक को आपको किस में करना है, रेक्टेंगल में। डाइस जो है हमारा स्क्वायर हो गया, कोन जो हमारा रेक्टेंगल हो गया, और बॉल क्या हमारा सर्कल हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे यही शेप से ही बताना है आपको। नॉर्मल वाला क्या है, प्लेन शेप, ठीक है ना, सॉलिड शेप नहीं, प्लेन शेप बोल रहा है। क्या है ये, सिलेंडर शेप का है। ओके, इसका तो कोई होगा ना, इसीलिए सिलेंडर शेप बोल देते हैं। स्क्वायर शेप का हो गया, रेक्टेंगल शेप का हो गया, ट्राइंगल शेप का हो गया। कैप जो है ट्राइंगल शेप का है, रेक्टेंगल हो गया हमारा बुक। ये मुझे लगता है केक है, तो केक का तो शेप यहाँ पे जैसा दिख रहा है वो तो रेक्टेंगल होगा, वैसे ट्राइंगल हम लोग काटते हैं, ठीक है। और ये क्या, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब देखो जो सॉलिड शेप जो होता है ना वो सर्कल होगा, जो स्क्वायर शेप का होता है, जो प्लेन शेप का होता है वो क्या होगा, स्लैड करेगा, सीधा जाएगा। एंड जो थोड़ा सा भी सर्कल हुआ, उसका सर्कल हो गया, कर्व हो गया, वो क्या होगा, रोल हो जाएगा। क्या हो गया, रोल हो गया। अब यहाँ पे ऊपर में भी है देखो, यह बॉल जो है वो हमेशा रोल ही होगा, स्लैड तो होगा ही नहीं, पर ये जो सिलेंडर और जो कोन है ये दोनों होगा, रोल भी होगा एंड स्लैड इसलिए होगा क्योंकि उसको जब खड़ा कर दोगे ना, स्टैंड कर दोगे, तो वो क्या होगा, स्लैड होगा, पर इसको सुला के रखोगे तो वो रोल हो जाएगा। वैसे ही कोन है, कोन को आपने खड़ा करके रखा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्लैड होगा, पर जब उसको नीचे रखोगे तो रोल हो जाएगा। ओके, तो यही बोल रहा है, जो आपका रोल करने वाला है, रोल और कैनल स्लैड दोनों करेगा, तो आप दोनों में लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में। अब वाटर बोतल है, देखो वाटर बोतल क्या होता है, हमारा रोल भी होगा स्लैड भी होगा। ये क्या, ऑरेंज तो हमेशा रोल ही होगा, बुक क्या होगा, स्लैड ही होगा। ओके, ये क्या है, कैंडल, कैंडल का नीचे वाला भी प्लेन होता है ना, इसीलिए रोल और स्लैड दोनों हो गया। अब ये टायर, टायर हमेशा रोल ही होता है, इसमें कोई है नहीं, जब उस टायर को सुला दोगे तब तो स्लैड भी तो होगा। एंड ये जो है डस्टर, डस्टर हमेशा स्लैड होता है। ओके, क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज भी क्या है, विच ऑफ दीज इज ए सॉलिड शेप, सॉलिड शेप क्या है, स्फीयर, टिक लगा दो इसमें। विच ऑफ हैज ओनली वन साइड, वन साइड कौन होगा, वन साइड तो किसी का भी नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दीज होगा। साइड एक नहीं होता है ना, स्क्वायर के तो बहुत सारे होते हैं, रेक्टेंगल के भी बहुत सारे होते हैं, सर्कल के होते ही नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दीज होगा। विच ऑफ दीज हैज द मोस्ट नंबर, नंबर ऑफ फेस, सबसे ज़्यादा फेस किसका होता है, क्यूब का होगा, और क्या होगा, क्यूबोर्ड का होगा, क्यूबोर्ड तो है ही नहीं, तो क्यूब में आंसर लगा दो, टिक लगा दो। विच ऑफ दीज ओल्ड सॉलिड शेप्स हैज कर्व फेस, देखो कर्व फेस, टू प्लेन, जब दो प्लेन हो गया पर वो कर्व हो गया, कर्व भी है और प्लेन भी है, तो वो क्या हो गया, हमारा सिलेंडर हो जाएगा। ओके, विच ऑफ दीज हैज मोस्ट नंबर ऑफ फेस, फिर से फेस आ गया, तो क्यूब भी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर भी सिलेंडर होता नहीं है, सिलेंडर के तीन ही होंगे मैक्सिमम, कोन के भी एक होते हैं, स्फीयर का तो होता ही नहीं है, तो क्यूब का ही सबसे ज़्यादा है। ओके, हाउ मेनी स्क्वायर डू यू सी, तुम यहाँ पे कितने स्क्वायर देख रहे हो, तो 1, 2, 3, 4, और ये छोटा सा 5 भी बन रहा है, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखो, ये जितने भी शेप्स दिए गए हैं उसमें आपको फेस दिखना लिखना है। क्यूबोर्ड का 6 होता है, क्यूब का 6 होता है, स्फीयर का 0, कोन का 2 एंड सिलेंडर का 3। उसके बाद क्या है, कॉर्नर 8, 8, 0, 1, 0 एंड यहाँ पे तो साइड लिखा, देखो साइड और फेस सेम होता है, इसलिए मैंने इसको कट करके एज लिख दिया। ओके, साइड और फेस एक ही हुआ इसलिए मैंने कट करके एज लिखा है। एज कितने, मतलब लाइन कितने हो गए इसमें, 12, 12, 0, 1 एंड 2। क्लियर? अब ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको हॉरिजॉन्टल लिखना है, वर्टिकल लिखना है, स्लैंटिंग लिखना है, कर्व लिखना है। देखो हॉरिजॉन्टल क्या हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा, स्लीपिंग लाइन ना, हाँ स्लीपिंग लाइन हो गया। अब देखो स्लीपिंग लाइन कौन है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो दो हो गए, हमने दो लिखा। वर्टिकल 1, 2, हमने दो लिखे। स्लैंटिंग कौन, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने 8 लिखा है। ओके, कर्व हमारे दो हैं तो हमने दो लिखा है, वो भी क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट पेज देख लो, नेक्स्ट पेज में क्या है, इसमें आपको सिर्फ ये क्या बोल रहा है, देखो कैन दीज ऑब्जेक्ट रोल एंड स्लाइड
और डू बोथ मतलब दोनों कर रहे हैं तो दोनों में आपको चेक करना कौन से दोनों कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें यस लिखना है या नो लिखना। अब देखो ये क्या है, कोन है, मतलब कैप जो है हमारा कोन की शेप का होता है, वो स्लैट रोल भी करेगा एंड स्लैट भी करेगा, तो हमने दोनों को यस लिख दिया। ये क्या है हमारा बॉक्स, मतलब बॉक्स ही हुआ, ठीक है, तो वो हमेशा रोल नहीं करेगा स्लैट ही करेगा, तो स्लैट करेंगे। ओके, सिलेंडर है, सिलेंडर शेप दोनों शेप में रोल भी करते हैं एंड स्लैट भी करते हैं, मैंने अभी बताया था, क्योंकि इसका नीचे वाला फ्रेम जो है, फेस जो है वो प्लेन है, इसीलिए वो स्लैट भी करेगा। फुटबॉल हमेशा रोल करेगा, स्लैट करेगा ही नहीं। ओके, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, आप इसको फिल कर लेना। ओके।